हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन सो प्यारे साथियों आज की क्लास आपकी सेकंड रहने वाली है ईएसआईसी डीएसएसबी की सीरीज़ की सेकंड क्लास रहने वाली है और आज की इस क्लास में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपन डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आप सभी को प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं या फिर अभी ई एस एस सी डी एस एस पी एच डी पी जी आर एम एल या फिर किसी भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने की संभावना है वो ही क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं तो क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास को लास्ट तक जरूर देखें फर्स्ट क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो सभी लोग इस क्लास को देखने के बाद फर्स्ट क्लास को जरूर देखें चैनल पे विजिट करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करवाए थे आज की इस क्लास को कैरी ऑन करते हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को सभी के स, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें चलिए क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन नेफ्रॉन आप भी अपना कमेंट जरूर करें कि इसका क्या आंसर रहने वाला है क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेफ्रॉन के अंदर नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराता है यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन की बात करें तो लूप ऑफ हेनले और ऑप्शन बी की बात करें तो ग्लोमेरुलस ऑप्शन सी की बात करें तो पीसीटी प्रोक्सिमल टी प्रोक्मल कॉन्वोलेटेड ट्यूबेल्स और ऑप्शन डी की बात करें तो डेजिटल ट्यूब तो यहाँ पे बात करें नेफ्रॉन के अंदर जो एब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज कौन से पार्ट के अंदर होता है नेफ्रॉन के तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है पीसीटी के अंदर प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स इसके अंदर आपका जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है नेफ्रॉन्स के पार्ट के अंदर तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है आप सभी लोग भी कमेंट जरूर करें ताकि आप सबका जरूर हो पाए नेक्स्ट की ओर करते हैं है क्वेश्चन नंबर जो, जो है, उसका डिस्ट्रक्शन destruct, हो रहा है तो उसको क्या टर्मिनोलॉजी क्या यूज करेंगे या फिर अस्थमा या फिर एम्पाइसिमा या फिर ऑप्शन डी यहाँ पे रहने वाला है ब्रोंकेक्टेसिस तो क्या राइट right आंसर रहने वाला है आप सभी लोग कमेंट नोटअप जरूर करें डेस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्यूलई 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 के वॉल का डेस्ट्रक्शन हो रहा है उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे सभी लोग कमेंट जरूर करें सभी का कमेंट आ रहे हैं बिल्कुल पे पे है वो राइट आंसर right रहने वाला है तो डिस्ट्रक्शन uh, हो रहा है एल्यूलाई की वॉल का तो उसको अपन क्या बोलेंगे एम्पाई सीमा बोलेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे बहुत शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आज आज का नेक्स्ट आने वाला है सीफ एंड कॉमन ऑफ द एम्बोलिज्म कोजे एम्बोलिज्म का जो कॉमन कोज है वो क्या रहने वाला है एंड द कॉमन कोच ऑफ द पलमोन्द्री एम्बोलिज्म ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है फेट एम्बोलिज्म बोलेंगे या फिर एयर एम्बोलिज्म या फिर सेप्टिक एम्बोलिज्म या फिर विनस थ्रोम्बोसिस क्या राइट right आंसर रहने वाला है आप सभी लोग कमेंट जरूर पुटअप करें दोस्तों यहाँ पे बात करें पलमोन्द्री एम्बोलिज्म तो इसका मोस्ट कॉमन कोज यदि आपको पूछा जाता है तो यहां पे कोज रहने वाला है आपका थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसिस ऑप्शन आपका डी पे right राइट कोज रहने वाला है किसका पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसी टाइप के क्वेश्चन कहने कहीं आपको ई के एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन रहने वाला है सेशन को पूरा अटेंड आप जरूर करें

वन सेल्फ खुद को हार्म पहुंचाना सुसाइड के आइडिया करना टॉकिंग करना इससे रिलेटेड सिम्टम्स है तो आपको एक्सट्रीम मूड स्विंग हाई और लो दोनों तरह के मूड दिखने को मिल रहे हैं तो उस कंडीशन के भी सिम्टम है वो मेंटल इलनेस के अंदर कंसिडर किए जाएंगे तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है

क्लिनिक नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विथ सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ द गैस्टेशनल हाइपर टेंशन गैस्टेशनल हाइपर टेंशन हो रहा है और उसके बाद में बात करें तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है आई uh, थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा जी हाँ अब आप यहाँ पे देख सकते हो अ क्लिनिकल नर्स केयरिंग फॉर द पेशेंट विद विदपेक्ट ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ डायग्नोसटेशनल गेस्टेशनल हाइपरटेंशन यहाँ पे, पे पेशेंट को देखने को मिल रहा है द नर्स एज पेशेंट एक्सपेक्टिंग टू नोट द सेट ऑफ द फाइंडिंग्स गेस्टेशनल डायबिटीज प्रजेंट गेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर क्या है वो फाइंडिंग देखने को मिलेगी आपको किसका है गेस्टेशनल हाइपर है गेस्टेशनल डायबिटीज उसके अंदर प्रजेंट है तो क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे एडिमा देखने को मिलेगा या फिर कीटो यूरिया या फिर ओबिसिटी देखने को मिलेगी ऑप्शन ए है ऑप्शन बी की बात करें तो एडिमा या फिर टेकी या फिर कीटो यूरिया देखने को मिलेगा ऑप्शन सी की बात करें तो ग्लाइकोसूरिया उसके बाद में हाइपर और द ओबिसिटी क्या देखने को मिलेगा आपको पेशेंट क्या है गेस्टेशनल डायबिटीज क्या है उसके अंदर डायग्नोसिस हुआ है कि गैस्ट्रेशनल हाइपर है तो क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे ऑप्शन डी की बात करें तो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर और द प्रोटीन यूरिया

ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है बहुत शानदार क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं आपको ई और डी के एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आग, रहने वाला है आज का द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट रिसीविंग बोलस फीडिंग वाया एनजी ट्यूब नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू पेशेंट को बोलस फीडिंग करवा रहा है नर्स करवा रही है केयर कर रही है द शुड प्लेस द पेशेंट इन विच पोजिशन आफ्टर फीडिंग

फीडिंग के बाद में मतलब यदि ड्यूरिंग पूछा जाता है आपको यदि ड्यूरिंग की नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो उस टाइम आपको एनजी ट्यूब की क्या एनजी सॉरी एनजी ट्यूब की पोजीशन क्या रखेंगे पेशेंट की एनजी ट्यूब इंसर्ट करते टाइम तो यहां पे हाई फॉलर पोजीशन आपका राइट आंसर हो जाता है हाई फोलर मतलब आपको क्या करना है एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो उस टाइम हाई फोलर पोजीशन देंगे और फीडिंग करवाने के बाद में पेशेंट को पोजिशन देनी है तो ऑप्शन बी आपका एनजी ट्यूब फीडिंग के बाद में बोलस फीडिंग यहाँ पे पेशेंट को करवा रहे हैं तो बहुत शानदार क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है आज का ये क्वेश्चन आप सभी लोग आंसर जरूर पटअप करें नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो दोस्तों स्क्रीन पे आपकी अ पेशेंट अराइव एट इमरजेंसी डिपार्टमेंट अपर गैस्ट्रो गेस्ट, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग दैट बिगन थ्री आवर्स एगो तीन घंटे ही पहले ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है किसकी अपर गैस्ट्रेस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग तो पेशेंट आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट तो एज नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहने वाली है यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी पूछी गई है नर्स की क्या रहने वाली है थ्री आवर्स एगो पेशेंट है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यहाँ पे आया है तो ऑप्टेंट वाइटल या फिर इंसल्टिंग अजोकेस्टिक ट्यूब या फिर आस्किंग अबाउट क्लाइंट प्रिसिपेटिंग इवेंट्स उसके बाद में कंप्लीटिंग एन एबडोमिनल फिजिकल असेसमेंट या या फिजिकल करेगी फिर जो इवेंट्स है उसके बारे में आस्किंग करेगी या फिर एनजी ट्यूब इंसर्ट करेगी नर्स या फिर वाइटल साइन लेगी तो एज अ नर्स सबसे पहले यदि कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का तो इसमें आपको एज ए नर्स सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी ऑप्शन ए आपका यहां पे राइट आंसर रहने वाला वाइटल साइन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहने वाली है यदि पेशेंट इमरजेंसी में आया है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का तो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे हाँ बहुत शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो अ पेशेंट इन लेबर डायग्नोसिस ऑफ़ द डायफिया डायग्नोसिस हुआ पेशेंट का किसका का पेशेंट है विस एक्शन नर्स टेक असिस्ट इन प्रिवेंटिंग द क्लाइंट क्लाइंट फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग अलिंग क्राइसिस ड्यूरिंग लेबर ड्यूरिंग लेबर सिकलिंग क्राइसिस हो रही है उस कंडीशन में क्या यहाँ पे आंसर रहने वाला है बहुत क्वेश्चन है ऑप्शन की बात करें तो गिविंग uh, तो पे के पेशेंट है आपको प्रिवेंट करना है सिकलिंग होने से तो आपको आपको क्या करना है एडमिनिस्ट्रेट uh, करनी ऑक्सीजन तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर जाना है आपको क्या करना है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है पेशेंट को बहुत शानदार क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बहुत शानदार रहने वाला है आज का ही नेक्स्ट आपको देख रहा है या फिर रहा है जो भी आपको इश्यू लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप पुटअप जरूर करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है आज का नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोफिक सबस्टांस एक्ट एनडीपीएसए वाज पास इन विच ईयर कौन से ईयर में आपका जो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉफिक सबस्टेंस एक्ट है वो पास हुआ था कौन से ईयर में पास हुआ था ऑप्शन की बात करें तो 1982 या फिर 1955 या फिर 1995 या फिर 2000 तो बात करें यहाँ पे राइट आंसर की जो आपका ये एक्ट है एनडीपीएसए तो ये आपका कब पास हुआ था 1985 के अंदर तो वहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला बहुत शानदार क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो रॉन्ग होने की संभावना पे रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे बहुत शानदार क्वेश्चन है आप सभी लोग आंसर पुटअप जरूर करें नेक्स्ट uh, क्वेश्चन रहने वाला है व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द एचआईवी वायरस जो मोस्ट इफेक्टिव वे पूछा गया है कि प्रिवेंट करना आपको ऐसे ही वायरस के कॉन्ट्रैक्शन को तो यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर रहने वाला है बहुत शानदार क्वेश्चन है एच से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं एक से दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स एक के अंदर देखने को मिलेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं आप देख सकते हैं बहुत शानदार ये है की पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है आपका की फाइव स्टार इक्वेशन रहने वाला है इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेंगे तो पे बात करें कि पेशेंट स्प्रे एवरीथिंग विथ टेन परसेंट ब्लीसिंग सोल्यूशन बिफोर टचिंग इट उसके बाद में ऑप्शन बी की बात करें तो आपका क्या रहने वाला है यहाँ पे नेक्स्ट uh, uh, रहने वाला है कि आफ्टर वी अ कंडोम या फिर नेवर शेयर विथ पीपल्स डोंट नो उसके बाद में ऑप्शन डी आपका रहने वाला है ऑलवेज प्रैक्टिसिंग यूनिवर्सल प्रिकॉशंस एंड गुड हैंड वॉशिंग दोस्तों हैंड वॉशिंग से आपका प्रिवेंट नहीं होने वाला है एच तो ये तो आपका यहाँ पे राइट रॉन्ग रहने वाला है वहीं बात करें निडल शेयर निडल्स विद पीपल्स यू नो लोगों को डोंट नो पता ही नहीं है तो ये सारी कंडीशन नहीं रहने वाली है यहां पे बात करें स्प्रे स्प्रे की कंडीशन में भी आपका यहां पे रह, नहीं रहने वाला है. यदि मोस्ट इफेक्टिव बात करें को करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कंडोम ट्रांसमिशन होने के कम चांसेज रहने वाले हैं तो ऑप्शन आप, आपका बी है वो राइट आंसर रहने वाला है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो right मूव करते हैं ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन आज का रहने वाला है बहुत शानदार क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करें ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन है जी हाँ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो देख सकते हो आप कि हाउ डू हाउ डू आई प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ हेपेटाइटिस आप हेपेटाइटिस कैसे प्रोटेक्ट करोगे क्लियर चीज है हेपेटाइटिस का क्लाइंट है आपको कैसे प्रिवेंशन करना है नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो आप देख सकते हो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस एंड गुड हैंड वॉचिंग उसके बाद में ऑप्शन बी इज द अवॉइड शेयरिंग नीडल्स आ, रेजर्स उसके बाद में टूथ ब्रशेज एंड आ, सिमिलर आइटम्स उसके बाद में ऑप्शन सी इज द क्लीन प्रोटेक्ट पोटेंशियली कंटामिनेटेड सर्फेसिज विथ अ वन रेसियो टेन ब्लीस टू द वाटर मिक्सर ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पे रहने वाला है ऑल ऑफ द एबो तो यहाँ पे बात करें हेपेटाइटिस को आ, प्रोटेक्ट करना है खुद से तो सारी चीजें आपको करना जरूरी है ऑप्शन ए इज द राइट बी इज द राइट राइट दैट मीन्स ऑल ऑफ द एम्बू ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट right आंसर जाने वाला है सभी चीजें आपको करनी होगी हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए क्लियर चीज है बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे नेक्स्ट बहुत शानदार क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स के अंदर जरूर पूछा जाता है बहुत बेसिक क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है एम्बू बैग की आपको यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है एम्बू बैग की एम्बू बैग की क्या फुल रहने वाली है कभी सभी को लगभग लगभग क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजन बहुत सारे ऑप्शन सी की बात करें तो ऑटोमेटेड मशीन ब्रीथिंग यूनिट ऑप्शन डी की बात कर तो आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट क्या आंसर रहने है आप सभी लोग कमेंट जरूर करें यहां पे दोस्तों एम्बू बैग की क्या फुल फॉर्म पूछी गई है एम्बू बैग की एम्बू की एम्बू बैग की क्या फॉर्म होती है आप सभी को पता है कि आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग ब्रीथिंग यूनिट तो यहां पे ऑप्शन आपका बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है सेकंड में नहीं है आर्टिफिशियल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मैनुअल जो आपकी आर्टिफिशियल ब्रीथिंग यूनिट होती है उसके ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। ये इस टाइप से आपको के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन से रहने वाला आज का बहुत शानदार क्वेश्चन है स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द लीवर इज लीवर का स्पेसिफिक फंक्शन क्या रहने वाला है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम डेली आपको करवाने वाले हैं तो आप सभी लोग हमें सपोर्ट जरूर देखें आपका सपोर्ट होगा आपका रेस्पॉन्स अच्छा होगा तो ही हम क्लास को कैरी ऑन कर पाएंगे अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि आप क्लास को रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो तो हम क्लास लिए जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं तो आपको क्या करना है जब भी क्लास आए क्लास को पूरी देखें और आप, आप भी आंसर करें कि इसका क्या आंसर रहने वाला है कमेंट बॉक्स में और आपको जो भी डाउट है और डाउट जो भी है आप कमेंट बॉक्स के अंदर पुटअप कर लें और जिस टॉपिक्स के बारे में आपको क्लास लेनी है वो भी आप टॉपिक से क्या करें कमेंट बॉक्स में क्लियर uh, क्लियर uh, 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 कर दे कि इस टॉपिक्स को सर हमें क्लियर uh, करना है तो हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्लास ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे पूरी हमारी टीम नर्सिंग एजुकेशन की लगातार आप सभी के लिए काम कर रही है तो आप भी अपना सपोर्ट जरूर देखें और अपना रिव्यू जरूर देखें कि आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करने में कुछ नहीं लगता है सेकेंड लेते हैं आप कमेंट जरूर करें इससे स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द लीवर की बात करें तो यहां पे एक्सक्रीशन या फिर आ, आ, बात करें हिमोलाइसिस या फिर स्टोलाइसिस उसके बाद में डायग्नोसिस सॉरी डायग्नोसॉरीजेशन और डी ऑप्शन की बात करें तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो यहाँ पे मेन बात करें इसकी किसकी लीवर के फंक्शन की स्पेसिफिक फंक्शन तो गुल ग्लाइकोजिनोलाइसिस यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ये इसका मेन फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन रहने वाला है लीवर का स्पेसिफिक फंक्शन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं द फर्स्ट कोविड पॉजिटिव केस इन इंडिया वाज रिपोर्टेड इन ऑप्शन की बात करें तो केरला या फिर तमिलनाडु या फिर गुजरात तो यहाँ पे बात करें आपका राइट आंसर की फर्स्ट केस कहाँ देखने को मिला था आपको कोविड पॉजिटिव का कोविड नाइनटीन पॉजिटिव का तो केरला के अंदर आपको केस देखा गया था ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला था केरला के अंदर क्या देखने को मिला इंडिया के अंदर फर्स्ट केस देखने को मिला था किसका कोविड का फर्स्ट केस सीन इन केरला कोविड-19 कोविड-19 का केस सबसे पहले केरला के अंदर देखने को मिला नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 रहने वाला है आज का द किडनी आर लोकेटेड इन स्पेस दे रखा है स्पेस किस स्पेस के अंदर किडनी आपकी लोकेटेड होती है बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों uh, यहां पे बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन होते हैं एक तो ऑप्शन है यहां पे पेल्विक कैविटी उसके बाद में पेरिटोनियल केविटी उसके बाद में एबडोमिनल केविटी उसके बाद में रेट्रोपेरिटोनियल केविटी तो इसमें कैंडिडेट कन्फ्यूजन होते हैं हर बार कि आप किडनी कहाँ पे सिचुएटेड होती है कहाँ लोकेटेड होती है बहुत सारे कैंडिडेट को कहीं ना कहीं यहाँ पे पेरी पेरिटोनियल आते ही पेरिटोनियल में चले जाते हैं और कहीं कहीं एबडोमिनल केविटी उनको नजर आती है तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन जरूर करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे बात करें पहले भी केविटी के अंदर ये नहीं होता है रिट्रो रिट्रो जो आपको पेरिटोनियल केविटी है उसके अंदर आपको किडनी देखने को मिलती है ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है बाकी सभी ऑप्शन क्या है जूटे यहाँ पे रहने वाले ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है सॉरी माफी चाहूंगा यहाँ पे मैं मैं भी कंफ्यूज हो गया था आपकी तरह यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है रिट्रोपेरिटोनियल केविटी के ऑर्गन के अंदर आपकी किडनी है वो सिचुएटेड होती है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर माफी चाहूंगा दोस्तों कभी कभी भूल है हो जाती है मानवीय भूल है आप सभी लोग इसको राइट कर लें यदि आप कहीं लिख रहे हो तो राइट कर लीजिए ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है

एवरी टू आवर्स एवरी फोर आवर्स एवरी सिक्स आवर्स या फिर ट्वेंस डे दिन में दो बार ऐसा कुछ नहीं है यदि अनकॉन्सियस पेशेंट है तो आपको एज अ नर्स एज एज नर्स की बात करें तो आपको एवरी टू आवरली आपको क्या करना है पेशेंट की ओरली केयर करनी है एवरी टू आवरली आपको एवरी टू आवरली पेशेंट की केयर करनी है तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट right आंसर जाने वाला है बहुत शानदार क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं बहुत शानदार क्वेश्चन है माफी चाहूंगा मैं आप सभी के साथ में जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाला है आज का नेक्स्ट जी हाँ टी स्पून वन टी स्पून इज इक्वल टू जो आपका एक टी स्पून होता है वो किसके इक्वल यहाँ पे रहने वाला बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं बहुत अच्छे से वन टी स्पून वन टी स्पून का पूछा गया है और एक आता है टेबल स्पून टेबल स्पून तो टेबल स्पून की बात करें तो एक टेबल स्पून के अंदर कितना आपको देखने को मिलता है आप 15 एम और वही टीस्पून की बात करें तो वन टी के अंदर आपका फाइव एम देखने को मिलता है तो यहाँ पे पूछा गया है कि वन टीस्पून तो ऑप्शन फिफ्टीन है रॉन्ग रहने वाला है टेन भी रॉन्ग रहने वाला है और फाइव यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कहीं कहीं बात करें तो यहाँ पे यदि यह आपको टेबल पूछ लेते तो पंद्रह एमएल यहाँ पे टी स्पून पूछा गया है तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर वन पूछा गया पे पूछ लेते हैं कि यदि इज इक्वल टू तो यहाँ पे आपका बात करें तो बीस एम एल राइट आंसर जाता है तो यहाँ पे वन टेबल टी स्पून पूछा गया तो फाइव एम एल राइट आंसर रहने वाला है ये बेसिक क्वेश्चन है जरूर आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बहुत शानदार क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन Uh, जी हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप अच्छे से इसको रीड करें देन आंसर पुटअप करें क्वेश्चन को मैं जूम इन कर लेता हूं आपको अच्छे से विजिबल हो पाए जी हाँ अब आप सभी को जरूर देख रहा होगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अ पेशेंट रिसीविंग टोटल न्यूट्रिशन टीपीएन टीपीएन से से रिलेटेड रिलेटेड दोस्तों पांच क्वेश्चन क्वेश्चन 2021 2021 के अंदर, के के अंदर 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 आपको देखने को अंदर think, आ, देखने को को मिले मिले थे थे आपका फर्स्ट था आई थिंक वहां पे फाइव तो यहां

इंट्रा एंटीबायोटिक शेड्यूल्ड किया गया है तो नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव एंटीबायोटिक क्या इंप्लीमेंट करेगी नर्स ऑप्शन की बात करें तो टर्न ऑफ द टीपीएन फॉर द थर्टी मिनट टर्न ऑफ कर दें टीपीएन पी थर्टी मिनट या फिर ऑप्शन बी की बात कर तो एनसी और ओर सेपरेट आई वी एस एस रूट या फिर ऑप्शन डी की बात सी की बात करें प्लस द सी वी सी सेंट्रल विनस कैथेटर विथ नॉर्मल सेलाइन या फिर चेक द विद द विदिपियन तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है एंश्योर करना है आपको कि सेपरेट है कि नहीं है आई वी एस एस रूट आपका तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट आंसर रहने वाला है बहुत शानदार क्वेश्चन था इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पूछे जरूर जाते हैं एग्जाम्स के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जी हाँ 35 number से रहने वाला है 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 आज का बहुत शानदार दोस्तों ये basic question है आपको कहीं कही कहीं ना जरूर पूछा जाएगा जी इसका क्या मतलब होता है आफ्टर मील या फिर बिफोर मील या फिर एट नाइट या फिर एट इवनिंग क्या राइट right आंसर रहने वाला है आप सभी लोग कमेंट जरूर करें एसी क्या का जो एब्रीवेशन इसका मतलब होता है बिफोर मील कोई भी आप मेडिसिन दे रहे हो उसको अपन ए सी के एब्रिवेशन के अंदर कंसिडर करेंगे आफ्टर सॉरी बिफोर मील तो ऑप्शन बात करें तो आपका यहाँ पे बी राइट आंसर रहने वाला है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आपने आपको आप डिस्कस करवाए हैं तो आप सभी लोगों को कैसा रेस्पॉन्स रहा कैसे आपको क्वेश्चन लगे आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जरूर बताएं और ये जो क्वेश्चन था इसमें डाउट था आप सभी लोग रेट्रोपेरिटोनियल जरूर कर लें किडनी हमेशा कहाँ किस ऑर्गन में होती है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स के अंदर होती है ये बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस करवाए हैं अब दोस्तों आप सभी को पता है कि ईएसआईसी e की कैसे तैयारी करें क्या पढ़े कितना पढ़े कितने आवर्स की स्टडी करें इससे रिलेटेड मैं आपको सेपरेट एक वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ बहुत जल्द जिससे आपको बेनिफिट होए कि आप कैसे पढ़ें कितना पढ़ें किस टाइप का कंटेंट पढ़ें यह बहुत ज़रूरी है दोस्तों स्टडी के साथ में स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है स्मार्ट स्टडी के अलावा आज के टाइम में सिलेक्शन नहीं है बहुत सारे कैंडिडेट काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो कहने के उसके अंदर स्मार्ट स्टडी की कमी दिख रही है तो वैसी स्टडी आपको करना जरूरी है इस टाइप की जो भी क्वेश्चन इस बार ए के अंदर पूछे जाएंगे वो हम जरूर आपको करवाएंगे आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर रिव्यू जरूर दें क्लास को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव धमाकेदार क्लास के साथ में तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें मस्त रहें थैंक यू सो मच